ऑलिव ऑयल को हिंदी में जैतून का तेल भी कहा जाता है। जैतून का तेल का यूज पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। ऑलिव ऑयल खाने की सलाह तमाम डॉक्टर्स भी देते हैं। आपको बता दें कि सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल को उसे माना जाता है जो कोल्ड प्रेस्ड होता है। आइए इस वीडियो में ऑलिव ऑयल के फायदे और नुकसान को विस्तार से समझते हैं। ऑलिव ऑयल के फायदे और नुकसान देखने से पहले समझ लेते हैं कि रोज हमें कितना जैतून का तेल खाना चाहिए। अगर आप खाना पकाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोजाना 25 से 30 ml या आवश्यकतानुसार ऑलिव ऑयल का सेवन उपयुक्त है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मॉडरेशन में ही किया जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं ऑलिव ऑयल के फायदे। ऑलिव ऑयल में लगभग 70% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। यही नहीं, आयुर्वेद के अनुसार भी ऑलिव ऑयल शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑलिव ऑयल बालों के लिए भी बहुत गुणकारी है। इससे बालों को जरूरी पोषण मिलता है, साथ ही डैंड्रफ और बालों में खुजली जैसी समस्या दूर हो जाती है। रात में सोने से पहले बालों में ऑलिव ऑयल लगाएं और सुबह इसे हर्बल शैम्पू से धो लें। इसके अलावा ये डिप्रेशन के लिए भी उपयोगी है। आयुर्वेद में डिप्रेशन की मुख्य वजह शरीर में वात का असंतुलन बताया गया है। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल वात को कम करता है, जिससे डिप्रेशन से आराम मिलता है। जिन लोगों के शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन की परेशानी रहती है, उनको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल आर्थराइटिस पेशेंट के लिए फायदेमंद माना गया है। यह सूजन और जलन को दूर करने का काम करता है। आयुर्वेद डॉक्टर आर्थराइटिस पेशेंट्स को जैतून के तेल से मसाज करने और उसे खाने में उपयोग करने की सलाह देते हैं। ऐसा पाया गया है कि लगभग 2 महीनों तक लगातार रोजाना ऑलिव ऑयल का सेवन करने से माइग्रेन में होने वाले सिर दर्द से आराम मिलता है। अगर आपको सिर में दर्द है तो आप जैतून के तेल से सिर की मालिश भी कर सकते हैं। आपको आराम मिलेगा। हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल का सेवन बढ़ा दें। यह हड्डियों को मजबूत बनाती है और बढ़ती उम्र में हड्डियों से संबंधित रोगों से बचाव करती है। अनेक फायदों में से एक ये भी फायदा है कि जैतून का तेल ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। फेस को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है ऑलिव ऑयल। ये स्किन की नमी को लॉक कर उसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए और ई के साथ साथ फैटी एसिड है, जो चेहरे की झुर्रियों को हटाकर उस पर पड़ने वाली फाइन लाइंस को रोकता है। ऑलिव ऑयल वजन कम करने में मदद करता है। इसमें भारी मात्रा में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो वेट कम करने में मदद करता है। इस तेल का अगर सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो यह आसानी से वजन कम कर सकता है। तो आइए अब देख लेते हैं ऑलिव ऑयल के नुकसान और सेवन से संबंधित सावधानियां, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी त्वचा बहुत अधिक संवेदनशील है तो जैतून के तेल को डायरेक्टली स्किन पर ना लगाएं, बल्कि इसे किसी ठंडी तासीर वाले तेल के साथ मिलाकर यूज करें। जिन लोगों की स्किन पहले से ही ऑयली है, उन्हें जैतून के तेल से परहेज करना चाहिए। ऑलिव ऑयल ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कम करने वाले गुण होते हैं, इसलिए अगर आप एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल के सेवन के दौरान अपना ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर नियमित अंतराल पर चेक करते रहें। जैतून के तेल की उच्च वसा की मात्रा पाचन विकार का कारण बन सकती है, जिसके चलते दस्त गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्या पैदा हो सकती है। अब आप ऑलिव ऑयल के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। अपनी समस्या और जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग शुरू कर दें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा होगा, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।